आज मैं प्रश्नावली 3.3 का फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन बताया जाना। तो देखते हैं, हमारा 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 है, और सेकंड ये फर्स्ट में क्या है, ये हमारा सेकंड 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 है। तो लिख ले, आप देखिए ये क्वेश्चन हमारा पॉइंट में, तो सबसे पहले मान लीजिए सम में पॉइंट है हमारा, एक 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 संख्या के बाद पॉइंट है। तो हाँ, यदि हम 0, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम में पॉइंट हमारा हट सकता है। तो लिख लेते हैं 10 से फर्स्ट और सेकंड समीकरण में गुणा करने पर, ये देखिए आप कर लेंगे तो हमारा क्या 10 से जब 0.2x प्लस 0. नहीं, अब पॉइंट हमारा हट जाएगा। देखिए पॉइंट अब जीरो से गुणा कर लेंगे तो हमारा पॉइंट इसमें भी हट जाएगा, प्लस वाई बराबर 13 हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो गया। अब और यहाँ पे गुणा हमारा करें तो एक्स प्लस 4 हो जाएगा बराबर प्लस 5y बराबर हमारा 23 हो जाएगा। ये हमारा सेकंड समीकरण। अब देखिए अब इसको ये सिंपल में हो गया, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट समीकरण से सॉल्व करते हैं, फर्स्ट समीकरण से x का मान निकाल लेंगे। मान लीजिए तो क्या 2x प्लस 3y बराबर 13 है हमारा फर्स्ट समीकरण। अब उधर जाएगा हमारा तो माइनस में हो जाएगा, और ये इंटू में तो हमारा डिवाइड में हो जाएगा। तो ले लेते हैं डायरेक्ट 13 माइनस 3y अपॉन में हमारा 2 डिवाइड में आ जाएगा। अब देखिए अब ये x का मान है, x का मान फर्स्ट समीकरण से निकालें ये, तो सेकेंड में पुट करना पड़ेगा, सेकेंड समीकरण में रखने पर। अब सेकेंड में रख देंगे तो हमारा सेकेंड समीकरण क्या है, 4x प्लस 5y बराबर 23 है हमारा। और इसमें एक्स का एक्स की जगह पर रखना, तो 4 बाहर रहेगा हमारा, फिर एक्स की जगह पर रखते हैं तो क्या 13 माइनस 3y अपॉन में 2 बंद हो जाएगा ब्रैकेट, प्लस 5y बराबर 23 हो जाएगा। फिर देखिए अब अंदर गुणा होगा तो हमारा 2 × 2 = 4 कट जाएगा हमारा। तो जब 2 बचेगा 2 फिर ऊपर हमारा गुणा होगा, 13 × 13 = 26 हो जाएगा हमारा, माइनस यहाँ पे 6y हो जाएगा बराबर, प्लस फिर लगेगा, फिर 5y बराबर 23 हो जाएगा। अब देखिए अब 26 हमारा उधर जाएगा तो बस यहाँ पे क्या है, माइनस का वाई प्लस 5y बराबर 23 और माइनस 26, ये हो गया हमारा। अब देखिए इधर माइनस प्लस माइनस होगा तो हमारा घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक बचेगा तो एक तो हमारा आगे लगता है, तो माइनस का वाई बचा बराबर इधर हमारा बचा माइनस का 3। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, मतलब वाई बराबर क्या आंसर आया हमारा, 3 आ गया। अब y का जो मान है किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो y का मान मान लीजिए फर्स्ट समीकरण रख रहे हैं, फर्स्ट समीकरण में रखने पर। अब देखिए फर्स्ट समीकरण क्या है हमारा, पॉइंट हटाने के बाद वाला लिख रहे हैं, प्लस 3y बराबर 13, ये हमारा फर्स्ट समीकरण है। अब इसमें y का मान रखते हैं, तो y की जगह पे क्या रखेंगे, प्लस 3, y की जगह पे क्या है हमारा 3 है, 3 लिया और 13। अब देखिए बराबर ये उधर गुणा हो जाए तो 9 हो, और 9 हमारा प्लस में, फिर उधर जाएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा, माइनस 9 हो गया। अब देखिए अब घटाएंगे तो कितना बचेगा, बचेगा हमारा 4, और ये जो 2 हमारा मल्टीप्लाई में, ये हमारा डिवाइड में आ जाए कट जाएगा, बचेगा 2, तो x बराबर आ गया हमारा 2, ये हमारा x का मान है और ये हमारा y का मान निकल आया।